अमित देखो, अब हमारा साथ यहीं तक था, अब हम साथ नहीं रह सकते, इट्स ओवर। सोनाली, अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते और तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करनी होती तो तुम मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रही थी? उस टाइम मुझे लगा कि घर वाले मान जाएंगे, पर वो नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ। ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय। अरे अमित, तू क्यों परेशान हो रहा है? उसे छोड़ के जाना ही था, चली गई, और वैसे भी वो तेरे लायक थी ही नहीं। और देखना, वो एक ना एक दिन जरूर पछताएगी क्योंकि उसने एक हीरे से लड़के को खोया है। तू चल मेरे साथ। यार तूने बहुत सही बहाना बनाया अपने घर वालों का। और कोई रीजन था नहीं मेरे पास, लड़ाई वो करता नहीं था और जो बोलती थी प्यार से मान लेता था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ऐसे करके उससे ब्रेकअप कर लिया। बिल्कुल सही किया तूने। वो तुझसे जब भी मिलता था तुझे गले लगाता, तेरा हाथ पकड़ता था, मेरा ना खून खौलता था अंदर से। अगर वो तुझे मुझसे पहले आई लव यू नहीं बोलता ना, तो मैं तुझे आई लव यू बोल देता। कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अब तो खुश हो? हाँ ये तो है। अरे अमित, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है एक लड़की के चक्कर में? एक बात बताऊँ, लड़की आज तक किसी की नहीं हुई, तो टेंशन मत ले, हम है ना तेरे साथ। हाँ यार, ये सच बोल रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, और वैसे भी हम लोग है ना तेरे साथ। अरे यार, माँ का कॉल आ रहा है, माँ ने एक काम बोला था, बस वो करके आता हूँ, मिलता हूँ तुम दोनों से। यार अमित, ये ना यहाँ से झूठ बोल कर गया है। जानता हूँ मैं। अच्छा, फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि कॉल किसका आया था। ये भी पता है। तो फिर अब